about everything. तो इंस्टाग्राम रील्स पे भी कुछ इस तरह का आपको वीडियो देखने को मिलेगा, देख सकते हैं, जो काफ़ी ट्रेंडिंग में चल रहा है। तो इस तरह का आप भी अगर एडिटिंग करेंगे, हो सकता है आपका भी रील्स वीडियो वायरल चला जाए, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं मैं एक वीडियो अपलोड कर लिया हूँ जो कुछ इसी तरह का ट्यूटोरियल आपको देखने को मिलेगा, जो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है मेरे को। तो कुछ इस तरह का आप भी एडिट करके आप अपने रील्स वीडियो को वायरल कर सकते हैं। मैं आपको कुछ इसी तरह का देख सकते हैं फोटो वाला एडिटिंग करके दिखाऊंगा, जो काफ़ी वायरल जा सकता है। तो कैसे करना एडिटिंग, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट के चलिए आज के वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो इस तरह के वीडियो एडिटिंग करने के लिए यहाँ पर सबसे पहले तो आपको VN एप्लीकेशन ओपन कर लेना है, उसके साथ आपको यहाँ पर प्लस पर क्लिक कर लेना है और न्यू प्रोजेक्ट में जाना है। और मैं आपको ये वाला वीडियो आपको लिंक दे दूँगा, तो इसे आपको डाउनलोड कर लेना है। तो जिस तरह आपको देखने को मिलेगा देख सकते हैं, उसके बाद आपको इसे आपको डिलीट कर लेना है वीडियो को। यहाँ से मैं वीडियो को डिलीट कर लेता हूँ ब्लैक वाला, और इसे भी मैं डिलीट कर लेता हूँ। तो उसके बाद आपको यहाँ पर पहले तो आपको यहाँ पर कट कर लेना है। पहले मैं यहाँ पर सॉन्ग ऐड कर लेता हूँ, जो आपको यहाँ पर प्लस पर क्लिक करके वीडियो का ऑडियो यहाँ पर आपको एक्सट्रैक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर वीडियो पर क्लिक कर लेंगे, ओके पर क्लिक कर लेंगे, तो आपका यहाँ पर एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं पहले से एक्सट्रैक्ट करके रखा हूँ, तो ये वाला सॉन्ग है देख सकते हैं, तो इसे मैं पहले से एक्सट्रैक्ट करके रखा हूँ। यहाँ पर मैं क्लिक कर लिया और इसे कुछ इस तरह ऐड कर लिया। तो कुछ इस तरह आपको यहाँ पर एक्सट्रैक्ट कर लेना है, उसके बाद आपको यहाँ पर वीडियो पर आपको क्लिक कर लेना है। तो पहला वाला पॉइंट पर, तो पहला वाला पॉइंट आपको यहाँ आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ पर मैं क्लिक कर लिया और इसे यहाँ पर डिलीट कर लिया। उसके बाद आपको यहाँ पर अभी PNG अभी ऐड कर लेना है, जो भी आपका फ़ोटो लगाना चाहते हैं। तो यहाँ पर अभी आपको फ़ोटो ऐड कर लेना है। तो करीब आपको 12 फ़ोटो चाहिए कुछ इस तरह एडिटिंग करने के लिए। यहाँ पर मैं करीब 12 फ़ोटो यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं 12 फ़ोटो यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद आपको यहाँ पर रील्स वाला साइज़ भी ऐड कर लेना है, और यहाँ पर आपको बीट के हिसाब से फ़ोटो को एडजस्ट भी कर लेना है। और यहाँ से आपको आगे से एक बार आपको यहाँ पर कट कर लेना है, देख सकते हैं यहाँ पर पिछला वाला वीडियो आ रहा, और इसे मैं हल्का से यहाँ पर स्पीड कर लेता हूँ, जिससे ये बीट के हिसाब से सेट हो जाएगा। और यहाँ पर आपको कट कर लेना है और इसे डिलीट कर लिया। और कुछ इसी तरह आपको यहाँ पर बीट के हिसाब से सारे फ़ोटो को यहाँ पर एडजस्ट कर लेना है। यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी कर ले रहा हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं सारा बीट के हिसाब से फ़ोटो को एडजस्ट कर लिया, सेट कर लिया। उसके बाद आपको यहाँ पर ट्रांजेक्शन अभी दे देना है। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर प्लस पर क्लिक कर लेना है, और ये जूम वाला आपको सेलेक्ट करके यहाँ पर आपको 30 सेकेंड कर लेना है, और ऑल पे सेलेक्ट कर लेना है। आपका 2 मिनट में कुछ इस तरह का आपका वीडियो बन जाएगा, आपको कुछ ज़्यादा कुछ नहीं करना है। उसके बाद आपको दूसरा वाला फ़ोटो आपको आ जाना है पहला वाले बीट पर, और यहाँ पर आपको ये जूम वाला सेलेक्ट कर लेना है, और यहाँ पर ऑल पे सेलेक्ट कर लेना है। और जहाँ भी यहाँ पर देख सकते हैं ये वाला लेयर कंप्लीट नहीं हुआ, तो यहाँ पर आपको बस कंप्लीट कर लेना है। तो कुछ इस तरह देख सकते हैं PNG काफ़ी लंबा है और इफ़ेक्ट काफ़ी छोटा हो गया, तो यहाँ पर आपको पूरा कर लेना है। तो यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी कर ले रहा हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं कंप्लीट हो गया, कुछ इस तरह आपको कर लेना है। उसके बाद आपका पहला वाला फ़ोटो आपको यहाँ पर चेंज कर लेना है, और स्लाइड वाला ऐड कर लेना है। तो कुछ इस तरह आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको कंप्लीट हो गया, और यहाँ पर भी आपका ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको इसे रिमूव कर लेना है। तो कुछ इस तरह आपका देख सकते हैं वीडियो कंप्लीट हो गया, और यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है। तो चलिए मैं आपको वीडियो अभी प्ले करके दिखा देता हूँ। तो देख सकते हैं काफ़ी इजी तरीके से आप कुछ इस तरह का ट्यूटोरियल वीडियो बना सकते हैं, और अपने रील्स वीडियो को वायरल कर सकते हैं। तो उसके बाद आपको यहाँ पर एक्सपोर्ट पे जाके कोई भी साइज में एक्सपोर्ट कर सकते हैं।